आप सभी लोग बढ़िया होंगे मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम हाल ही में जो फिफ्टी फोर्थ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, GST जो है उसकी बैठक हुई है उसकी so, क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इसके बारे में चर्चा करेंगे ये रिलेवेंट है आपकी यू पी एस सी जी एस टी पेपर थ्री इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सेक्टर से Means examination. तो देखते हैं क्या हेडलाइंस है और इस सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हाल ही में जीएसटी परिषद की चौवनवी बैठक यहाँ पर हुई है चौवनवी बैठक का आयोजन किया गया है और भारत में इस चीज को लेकर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बोल सकते हैं डिसीजन देखने को मिले हैं अंडर दिस यू नो जी काउंसिल जो हमारी अभी बैठक हुई है तो सेशन में हम ये देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है जीएसटी कब आया था क्या गठन या कॉम्पोजिशन है क्या फंक्शन होते हैं जीएसटी काउंसिल के ये किस तरह की बॉडी है इज इट अटैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट तो सारी चीजें कवर करते हुए हम इस सेशन को खत्म करेंगे साथ ही में जो की रिकमेंडेशन इस बार की जीएसटी काउंसिल ने दिए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे उससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल आप अपना जवाब दीजिएगा सवाल है जीएसटी काउंसिल जो है उसे कौन चेयर करता है जो जीएसटी परिषद है उसका चेयरमैन कौन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो केंद्र वित्त मंत्री हैं या फिर आरबीआई के गवर्नर तो ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो जी जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स कहते हैं राइट सबसे पहले तो वन हंड्रेड जो संविधानिक बोल सकते हैं आपका संशो, संशोधन है राइट उसके बिल के तहत जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करता है तो हंड्रेड एंड सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत आया था और जब भी कोई बिल क्या बनता है प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो एक कानून बन जाता है एक्ट बन जाता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर 101 मतलब वन हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था 2016 में उसके तहत यहाँ पर जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शुरुआत हुई है। है। है है, तो तो चीज़ हमें ध्यान रखनी अगर GST has come, you know, एक एक के संविधान में संशोधन से आया है GST, तो GST मतलब जो आपकी परिषद वो भी क्या होगी? संविधानिक बॉडी होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कैसी बॉडी है सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्लियर नाउ आर क्या उद्देश्य होते हैं जीएसटी काउंसिल के तो अगर हम बात करें तो जीएसटी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर अपनी सिफारिश करना अपने सुझाव देना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो जीएसटी है उसका सही तरीके से लागू होना राइट इसके अलावा जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसे और ज्यादा यू नो सरल बनाना स्ट्रीम बनाना रेगुलेट करना जी जो है टैक्सेस को टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आसान और सरल बनाना साथ ही में जो भी ओवरसीज मतलब भारत से बाहर जो भी टैक्सेशन प्रोसेस है उनको यहाँ पर मॉनिटर करना तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं जी काउंसिल के अब अगर हम बात करें क्या इसका संवैधानिक प्रावधान है तो बिल्कुल इसके अंदर आर्टिकल 279 ए को यहां पर शामिल किया गया था और -1. Remember, 279 ए क्लॉज वन प्लीज डू रिमेंबर 279 सेवेंटी नाइन ए जो है संविधान का वो क्या कहता है कि जीएसटी काउंसिल बननी चाहिए कौन बनाएगा इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू सेवेंटी नाइन ए में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का क्या होगा गठन होगा इन सिक्सटी डेट सात दिन साठ दिन के अंतर्गत राइट right? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसका आपका आर्टिकल 279 ए जो कि जीएसटी काउंसिल से यहाँ पर रिलेट करता है सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गठन की तो कॉम्पोजिशन जो है जीएसटी काउंसिल का जो जीएसटी परिषद में कौन लोग होंगे कौन नहीं होंगे इसका भी प्रावधान है किसके अंदर टू ए क्लॉस टू ए क्लॉज वन में किसकी बात करी गई है कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाए एक क्लॉस टू के द्वारा जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं मतलब कॉम्पोजिशन जो है गठन जो होगा उसके बारे में बात करी है तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन की बात करें तो चेयरमैन जो होती है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगी चेयरपर्सन बेसिकली ठीक है तो जो केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री है शिव उदी चेयरपर्सन और इनके साथ मेंबर्स होते हैं तो मेंबर्स में हर एक राज्य की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स केंद्र द्वारा स्थापित जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फाइनेंस वो यहाँ पर कॉम्पोजिशन में होते हैं इनफैक्ट जो कराधान के प्रभारी मंत्री हैं वो भी यू नो यहाँ पर कॉम्पोजिशन या मेंबर्स का हिस्सा होते हैं तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आप देख सकते हो कि आपका सेंटर और स्टेट केंद्र और राज्य दोनों की यहाँ पर हिस्सेदारी रहती है अक्सर यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स के पेपर में पूछा एक स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट राइट right, इन दोनों की भागीदारी या हिस्सेदारी रहती है स्टेटमेंट में जनरल असर्टिव सेंटेंसेस में पूछा जा सकता है तो प्लीज रिमेंबर कि यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू हर एक राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें भाग लेते हैं केंद्र सरकार स्थापित भी जो एमओएस है राइट तो ये आपको ध्यान रखना है चेयरपर्सन होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी केंद्र वित्त मंत्री है। अब आते हैं अपने पे अपनी न्यूज पे न्यूज क्या है कि अभी जो फिफ्टी फोर्थ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं तो सबसे पहले कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ बड़े डिसीजन भी लिए हैं बट कुछ बदलाव भी किए हैं सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं तो जो भी आपके सेवरी या नमकीनी जो आपके आइटम्स हैं गुड्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी है वो कम हुआ है मतलब अठारह से बारह प्रतिशत हो गया है जीएसटी जो है वो अलग अलग स्लैब्स में हर एक गुड और कमोडिटी को हम अलग अलग स्लैब्स के तहत रखते हैं कैंसर ड्रग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर भी जो जीएसटी है वो 12 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है ज ऑलसो बीन लोवर्ड मेटल स्क्रैप जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है रिवर्स चार्ज मेके हैं उनके ऊपर अट्ठाईस परसेंट जीएसटी लगाया गया है कार और मोटरसाइकिल की जो सीट है उनपे जो जीएसटी है वो दस परसेंट बढ़ गया है अठारह से अट्ठाईस परसेंट वाले स्लैब में चली गई है इंपॉर्टेंट रह जाता है कैंसर ड्रग्स क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स और हेल्थ डेवलपमेंट में आपको पूछा जा सकता है कि सरकार क्या कर रही है सो so, इस तरह से हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट कर सकते हैं इसके अलावा कुछ की यहाँ पर डिसीजंस में आते हैं आपकी बीमा पॉलिसी जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस है इसके लिए अगर हम बात करें तो इस पर जो अठारह परसेंट जीएसटी लगाया गया है उसको ध्यान में रखने के लिए उसकी समीक्षा के लिए एक नई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ पर चयन किया गया है जिन्हें अक्टूबर तक मतलब करीबन पचास दिन के अंदर इन्हें क्या देनी है इन्हें अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी है यू नो इन फ्रंट ऑफ द जीएसटी काउंसिल राइट तो अब वो क्या यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स आ गए और उन्होंने कहा कि लाइफ एक ऐसी चीज है इंश्योरेंस हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जिसपे इतना ज्यादा जीएसटी लगना सही नहीं है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो, तो तो जो 18 परसेंट जी की समीक्षा है इस पर ये यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस पर आ, बोल सकते हैं विचार करेंगे दूसरी चीज इन्हें अपनी अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें ये बताएंगे कि जीएसटी कितना लगना चाहिए क्या हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगना भी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए अगर लगेगा तो वो किस स्लैब के अंदर आएगा किस दर में आएगा हमें कितनी छूट देनी चाहिए टाइप इसके अलावा जो सामूहिक इंश्योरेंस जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं इसके लिए हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस ये आपको ध्यान रखना है एक अच्छा इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कि जो स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज को जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी देना पड़ता था अब वो नहीं देना होगा तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल डिसीजन तो लिया, लिया गया है कि जो रियल इस्टेट में जो लेन देन है लेन देन में जो भूमिका बोल सकते हैं कि शुल्क है या फिर जो मूल्य है जो वैल्यू होती है लैंड की उसकी लैंड की वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता है फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या आपने कोई भी मकान लिया है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का आपके ऊपर जीएसटी लगेगा लैंड की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगता है कंस्ट्रक्शन का एक तिहाई जो हिस्सा होता है वही लैंड का माना जाता है तो भूमि की जो लागत है राइट वो स्थान के आधार पर वैरी करती है मतलब प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो लैंड की वैल्यू है वो वैरी करती है तो उस पर भी किस तरह से जीएसटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग-अलग अगर जगह हैं उन पर कितनी जीएसटी लग कितना जीएसटी लगेगा इसके लिए भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एस्टेब्लिश किया गया है तो रियल एस्टेट ले लीजिए आरएनडी ले लीजिए राइट right? उसके अलावा आपका जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस तो इन सब में इंपॉर्टेंट यहां पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग तो दीज आर सम की हाइलाइट्स दैट यू कैन नोट डाउन दूसरी चीज अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए इससे रिलेटेड जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और साथ ही में की हाइलाइट्स जो अभी हमने समझे ये एक्सेस करने के लिए आप इंग्लिश करंट अफेयर्स अपनी पाठशाला डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं आई होप यू हैव इंजॉयड द सेशन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन